हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोर्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिजाइनर फंदे डालना सिखाऊंगी कि डिजाइनर फंदे कैसे डाले जाते हैं। साथ के साथ आज मैं आपको जो है डिजाइनर फंदे कौन से प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से डालने चाहिए ये भी सिखाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बुनते हैं तो हर प्रोजेक्ट के फंदे का डालने का एक अलग तरीका होता है। किसी के लिए टाइट होते हैं तो किसी के लिए लूज होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है डिजाइनर फंदे डालने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, आप अपनी ऊन को इस तरह से लीजिएगा और उसे ऐसे डबल कर लीजिएगा, क्योंकि फंदे डालने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ऊन को डबल करना होता है। इस तरह से जितने आपने फंदे डालने हो उससे भी ज्यादा आप लंबा जो है डिजाइनर फंदे के लिए डबल धागा कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धागा ज्यादा लगता है डिजाइनर फंदे में। इस तरह से डबल करने के बाद देखिए ऐसे लीजिएगा। ऐसे करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर इसकी नोट लगानी है। नोट कैसे लगानी है देखिए, दोनों धागे को ऐसे पकड़िएगा, इधर वाले को भी और इधर वाले को। ये जो हमारा सिरा है इसको ऐसे लेंगे और एक नोट बना लीजिएगा। ऐसे देखिएगा, ये नोट बन गई है और इस तरीके से इसको यहां पर बांध दीजिएगा और ऐसे कीजिएगा। और अगर यहां पर ये धागा आपका इस तरह से ज्यादा रह जाए तो आप जो है इसे कैंची से काट दीजिएगा, क्योंकि यहां पर अगर ये ज्यादा बड़ा रह जाए तो फंदे यहां से हमारे डालने स्टार्ट करने होते हैं हमें, तो ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह से देखिएगा, डबल धागा कीजिएगा ये। और ये जो हमने नोट लगाई है, ये नोट हमारी ऐसी होती है, इसको हम अगर अपने धागे को बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा और छोटा करना चाहेंगे तो छोटा भी हो जाएगा। ये देखिएगा, ऐसे खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर इसने हमें छोटा करना हो तो ऐसे खींच देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ये तो हो गया इसमें हमारा धागा डबल करना। फ्रेंड्स, फंदे जो हम डालते हैं अगर हाथ से डाले तो वो कम समझ में आते हैं, इसलिए मैं आपको पैर से फंदे डालना बताऊंगी, क्योंकि पैर से जो फंदे डालते हैं वो बहुत ही इजी तरीका होता है, सबको समझ में आ जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है देखिए, इधर हमारा ये डबल किया हुआ है और इधर हमारा सिंगल है। ये जो डबल किया हुआ है देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मोड़ लीजिएगा। ऐसे ऐसे मोड़ने के बाद देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊं, क्योंकि हमने पहले एक नोट बनानी है। ये डबल किया, इसके बीच में से ये सिंगल धागा आप ऐसे निकाल लीजिएगा और निकाल के इसे सिलाई पर ले लीजिएगा। और ये देखिएगा, इस डबल वाले को ऐसे खींचेंगे और सिंगल वाले को ऐसे, तो ये पहला हमारा फंदा इसमें डल चुका है। अब आपको बताती हूँ कि पैर से कैसे डालने चाहिए। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो सिंगल वाला धागा है इसे डबल वाले को इधर छोड़ दीजिएगा और सिंगल वाले को इधर लेके पैर के अंगूठे में देखिएगा ऐसे डाल लीजिएगा। बहुत इजी होता है। ऐसे डालने के बाद आप अगर ऐसे टाइट पकड़ सकती हो तो ऐसे पकड़ लीजिएगा, नहीं तो इसे ऐसे ले जाइएगा। देखिएगा, फिर से दिखा देती हूँ, ऐसे कीजिएगा और इस वाले को नीचे की तरफ कर दीजिएगा। अगर इसे देखिए आप खींचेंगे तो खींच जाएगा, और इसे अगर आप वापस टाइट करेंगी तो ये टाइट भी हो जाएगा। इसलिए देखिए, ऐसे लीजिएगा और इसे ऐसे पकड़ दीजिएगा। कुछ टाइम के लिए इसको टाइट रखिएगा, जब आपको जरूरत हो तो यहां से ढीला छोड़ दीजिएगा। अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सिलाई ऐसे पकड़िएगा और ये जो डबल धागा है इसको ऐसे करना है। डिजाइनर फंदे डालने के लिए एक बार हमने नोट लगाई है और जब फंदा डालेंगे तो देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे मोड़ लीजिएगा। जो ये फंदे का जो डालना होता है, ये जो धागा होता है, इसको हमने ऐसे मोड़ के ऊपर रखना है। ऊपर रख के इसके बीच में से हम सिंगल धागे को निकाल के सिलाई पर ले आएंगे और इस डबल वाले को हम ऐसे खींच देंगे। देखिएगा ऐसे। अब जब दूसरा फंदा डालना है, जो पेयर बनता है वो कैसे बनता है देखिएगा, इस डबल वाले को ऐसे पकड़ेंगे, नीचे की तरफ मोड़ देंगे, ये जो हमारा हिस्सा है ये नीचे आ जाएगा और इसके बीच में से हम देखिए इस सिंगल धागे को सिलाई पर ले आएंगे और इस डबल वाले को खींच देंगे। अब फिर देखिए, एक पैर हमारा बन गया है। अब जब सेकंड बार डालेंगे तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, देखिएगा ये सिलाई के अंदर से धागा और ये इधर का, इसको ऐसे उंगली पर रख लेना तो बहुत आसान रहेगा। इसको इसके ऊपर रखेंगे,
सिंगल धागे को इसके बीच में से निकालकर ऊपर ले आएंगे और डबल वाले को खींच देंगे। अब जब धागा आपको और बड़ा करना हो तो इसको ऐसे खींच लीजिएगा। अब देखिएगा, अब हमने दूसरा फंदा डालना है पैर वाले का, इसको हमने ऐसे ही रखना है। बस करना क्या है, पहला फंदा ऐसे मोड़ के डालना है और दूसरा इसको हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। देखिए ये सिर्फ ऐसे ही रहे, काम सिर्फ इसने करना है, नीचे की तरफ मोड़ेंगे, ऐसे करेंगे और इस डबल वाले को खींच देंगे। ये देखिएगा सेकंड वाला डल गया है हमारा पेयर। अब फिर से क्या करना है, देखिए इसको ऐसे लेंगे, ऐसे मोड़ के ये वाला जो हमारा धागा आ रहा है इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और ये जो हमारा अंगूठे में फंसा हुआ धागा है देखिए इसको इसके बीच में से निकाल के सिलाई पर लेंगे और डबल वाले को खींच देंगे। अब देखिएगा हमने ऊपर से कर लिया, अब नीचे करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे, नीचे की तरफ मोड़ देंगे और इस सिंगल वाले को जो पैर में है हमारा उससे बीच में से निकाल कर सिलाई पर ले आएंगे, डबल वाले को खींच देंगे। इस तरह से हमारे डिजाइनर फंदे डलेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बता रही हूं, ऐसे लेना है, इसको ऐसे मोड़ना है, बीच में से इस सिंगल वाले धागे को सिलाई पर लेना है और डबल वाले को खींच देना है। पहला फंदा डल गया। अब पैर बनाने के लिए दूसरा फंदा डालना हो तो ऐसे पकड़िएगा, नीचे की तरफ मोड़ दीजिएगा इसको, देखिएगा ऐसे। पहला फंदा हमने ऐसे मोड़ के बीच में से निकाला, दूसरा हम ऐसे मोड़ेंगे नीचे की तरफ, देखिएगा ऐसे सिंगल धागा इसके बीच में से निकालेंगे, डबल वाले को खींच देंगे। इस तरह से तो हो गया है फ्रेंड्स डिजाइनर फंदे डालना। आपको जितने भी फंदे डालने हो ऐसे ही डालिएगा। देखिएगा एक बार फिर से बता रही हूं, इस तरह से लीजिएगा ये हमारा ऐसे, इसको मोड़ के ऊपर रख लीजिएगा इसके ऊपर, और इसके बीच में से ये वाला जो है ऐसे लेना है इस सिलाई के ऊपर और इस डबल वाले को खींच देना है। अब दूसरा फंदा डालने के लिए ऐसे ही पकड़िएगा, नीचे की तरफ फोल्ड कीजिएगा इस डबल धागे को और सिंगल वाले को इसके बीच में से लेकर सिलाई पर ले आइएगा और इसको ऐसे खींच दीजिएगा। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा डिजाइनर फंदे डालना। अब आ जाइएगा, देखिएगा अगर हमें यंग जनरेशन के लिए स्वेटर बनाना हो, जैसे कि हमें 12-13 साल से लेकर 17-18-19-20 साल के लड़कों के लिए हमें स्वेटर बुनना हो, हाफ बाजू या फुल बाजू, क्योंकि आज की जो जनरेशन है फ्रेंड्स वो बॉर्डर को मोड़ना पसंद नहीं करती है, उन्हें बॉर्डर सीधा चाहिए होता है, और अगर उनके लिए आप डिजाइनर फंदे डालती हैं तो कोशिश कीजिएगा फंदे ज्यादा टाइट ना हो। डाल करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स, ये मैंने डाले हुए हैं इसलिए इसमें एक बार आपको चला कर दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स ऐसे चलने चाहिए ये फंदे, इससे क्या होगा, क्योंकि हमने यंग जनरेशन के लिए जो स्वेटर का हाफ का या फुल का बॉर्डर बनाना है, लड़कियों के लिए हमें टॉप बनाना है, तो उसमें हमारे इतने होने चाहिए, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज फंदे, क्योंकि उन्हें बॉर्डर मोड़ना पसंद नहीं है। और फ्रेंड्स अगर हम कार्डिगन, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, मफलर आदि प्रोजेक्ट हम बुनते हैं तो उनके लिए हमारे फंदे देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे चलने चाहिए, इतने सॉफ्ट डलने चाहिए, क्योंकि कार्डिगन हो गया है, जैकेट है, फ्रॉक है, कुर्ती है, कैप है, मफलर है, उन्हें हमें यहाँ पर सॉफ्ट फंदे चाहिए होते हैं, ताकि एकदम से जो ये हिस्सा हमारा बनता है फ्लैट बने, सॉफ्ट बने, मुड़े नहीं। और फ्रेंड्स अगर हमें जेंट्स स्वेटर के लिए फंदे डालने हो तो उसके लिए हमें थोड़े टाइट फंदे डालने होते हैं, क्योंकि जो बड़ी एज के जेंट्स होते हैं उन्हें बॉर्डर मोड़कर पहनना स्वेटर पसंद होता है, तो उनके लिए सबसे पहले आपको फंदे डालना सिखाती हूँ। देखिए जेंट्स के लिए हमें जो फंदे डालने हैं वो थोड़े टाइट डलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा फंदे ऐसे ही डलेंगे, इसे ऐसे पकड़िएगा और ये ऊपर रख लीजिएगा और इसके बीच में से इसे निकाल लीजिएगा और इस फंदे को आपको खींच कर डालना, बिल्कुल टाइट डालना है। दूसरा फंदा फिर से ऐसे पकड़ेंगे, इसे हम फोल्ड करेंगे, इसके बीच में से निकालेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और इसे भी हम बिल्कुल खींच कर डाल देंगे, ये हमारे बिल्कुल टाइट फंदे होने चाहिए। फिर से वही करना है,
देखिएगा ऐसे लेंगे इसे, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। इस डबल धागे जो हमने मोड़ के रखा है, इसके बीच में से इस सिंगल धागे को निकालेंगे और इसे हम खींच देंगे, बिल्कुल टाइट हमने खींचना है। फिर से वही करना है, ऐसे मोड़ेंगे और बीच में से हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से टाइट फंदे तो फ्रेंड्स आपने जो है जेंट्स स्वेटर के लिए, जो है थोड़ी बड़ी एज के लोगों के लिए जो आपको स्वेटर बुनना है उसके लिए आप डिजाइनर फंदे ऐसे रखिएगा। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमें यंग जनरेशन के लिए बनाने हैं, जो हमारे लड़कियां या लड़कों के लिए टॉप स्वेटर कुछ भी बुनना हो, तो उसके लिए हमें थोड़े सॉफ्ट फंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि उनका बॉर्डर मुड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे डिजाइनर फंदे को, इसको आपने खींचना नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेगा हल्का सा। फिर दूसरा फंदा हम ऐसे नीचे की तरफ मोड़ के डालेंगे और इसको हम जो है ऐसे लेंगे और इसको हमने हल्का खींचना है, हल्का ना ज्यादा ना कम। अगला फंदा फिर से ऐसे ही करेंगे, ऐसे इसको ऊपर ऐसे मोड़ के ऊपर लेंगे, इसके बीच में से सिंगल धागा निकाला और इसे हमने खींच दिया। इसको हमने ना तो लूज छोड़ना है और ना ही टाइट करना है, नॉर्मल हाथ से ये फंदे हमारे डलेंगे। ऐसे तो हमने डालने हैं यंग जनरेशन के लिए। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स, अगर हम कुर्ती, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स के लिए फ्रॉक वगैरह में फंदे डालना चाहते हैं और डिजाइनर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कैसे डालेंगे। फंदे डालने हमने डिजाइनर उसी तरीके से हैं, बस थोड़ा धागा खींचने का फर्क होता है। देखिएगा यहां पर जो हमने तीन चार फंदे ये डाले हैं, बिल्कुल यहां पर ये पतला हो गया है यहां से, और जब हमने यंग जनरेशन के डाला है तो ये थोड़े से मोटे फंदे उभर कर आए हैं। और कार्डिगन, फ्रॉक, जैकेट के लिए डिजाइनर फंदे डालने हो तो देखिए फंदे ऐसे ही डलेंगे, इसे हम ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर रखेंगे, ये सिंगल धागा इनके बीच में से निकालेंगे और आपने इसको देखिए ऐसे आगे की तरफ खींचना है, ताकि हमारा जो बॉर्डर हम बनाएंगे कार्डिगन के लिए वो एकदम फ्लैट बने, ऐसा ना हो कि हमारा जो है ऊपर से चौड़ा हो जाए और नीचे से उसकी चौड़ाई फंदे में ही टाइट हो जाए और वो कम लगे। ऐसे में कार्डिगन की लुक बहुत ही खराब लगती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब दूसरा फंदा डालना है, ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, सिंगल धागा इसके बीच में से निकालेंगे, सिलाई पर लेंगे, इसको भी आपने ऐसे करना है और इसको खींचना नहीं है फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल आपने ये लूज रखने हैं, जैसे बिल्कुल ऐसे चलने चाहिए ये धागे फंदे आपके। अब देखिए सेकंड फंदा डालेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, ये हम ऐसे लेंगे और इसको ऐसे आगे की तरफ खींचिएगा फ्रेंड्स। कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक, मफलर, कैप के लिए अगर आप फंदे डाल रही हैं तो देखिए, अब इसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, सिंगल धागा इसके बीच में से निकाल के सिलाई के ऊपर ले आएंगे और डबल वाले को हमने आगे की तरफ खींचना है। ये देखिएगा ये कितने आपको थोड़े से खुले खुले से फंदे डले हुए नजर आएंगे, ये कार्डिगन जैकेट के लिए फंदे हैं फ्रेंड्स। देखिएगा ऐसे फोल्ड कीजिएगा, सिंगल धागा इनके बीच में से निकालिएगा और आगे की तरफ खींचिएगा। जो कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक, कैप के फंदे डलते हैं उसके लिए ये जो डबल धागा हम करते हैं, ये जितना हम करते हैं उससे भी आप डबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से फंदे डालने पर इसमें ये डबल वाला जो हमारा धागा है ये ज्यादा लगता है। तो देखिए ऐसे करना है, इसकी देखिए हमने छह फंदे डाले, छह फंदे में इतनी चौड़ाई आई है, लेकिन इसके छह फंदे की देखिएगा बहुत कम आएगी, इसलिए कार्डिगन के फंदे आप ऐसे रखिएगा, जिससे आपके कार्डिगन की लुक नीचे से ही बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप बाजू वगैरह के लिए भी फंदे डाल रही हैं तो उसके लिए भी आप ऐसे ही डालिएगा, चाहे वो जेंट्स के लिए हो, बच्चे के लिए हो, लेडीज के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसके लिए फंदे आप ऐसे रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी, अगली वीडियो में मैं आपको जेंट्स स्वेटर बुनना सिखाऊंगी बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस तरह से डिजाइनर फंदे डालने और अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग तरीके से फंदे डालने की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले मिल सके। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड ग्रुप्स में, सर्कल में कोई भी अगर ये बुनाई सीखना चाहता हो तो आप मेरे इस चैनल को उन्हें शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इससे कुछ फायदा ले सके और बुनाई सीख सके। थैंक यू।